और मैं आप लोगों के साथ पिक एडिटिंग की ट्रिक अपलोड करने जा रहा हूँ। फ्रेंड, ये बहुत ही इजी ट्रिक है और आप लोग इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आप लोगों से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों को मिल जाए। देखिए, हमने ये नंबर का डेटा निकालने वाली वीडियो भी अपलोड की थी। देखिए फॉलोअर्स वाली, इंशाल्लाह करीब हम लाइकर वाली भी अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने लाइट रूम सीसी लेटेस्ट ऐप है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपने इसे डाउनलोड करना है और इसमें कुछ पिक्स वगैरह हैं वो भी आपने डाउनलोड कर लेनी है, वो भी उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। सब की सब आपने डिलीट कर रहा हूँ, डाउनलोड करके फोल्डर में रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, पैसे से पहले स्किप पे करें इसे। अब देखिए यहाँ पे आपको काउंट का पारा आपने इधर क्रॉस पे करना है, ये छोटा सा बना हुआ है, ये देखिए इस क्रॉस पे क्लिक कर देना आपने। ये देखिए ये ओपन हो चुका है। आपने अभी इधर क्रिएट न्यू आइटम पे करना है, यहाँ पे आपने फोल्डर बना लेना है, नहीं फोल्डर नहीं एल्बम बना लेना, सॉरी एल्बम नाम ला देता हूँ रही एडिटिंग, ऐसे आप कोई भी नाम रख सकते हो। तो मैंने रही एडिटिंग रख दिया। आपने इसे ओपन करना है। अब आपने यहाँ पे फाइल वगैरह अपलोड करनी है तो आपने ड्राइव पे जाना है, इधर ड्राइव पे जाना है, बट टाइम यानी ड्राइव फोल्डर्स पे जाना है आपने। देखिए यहाँ पे अब आपको मैं दिखाता हूँ जो आपने फाइलें यहाँ अपलोड करनी है। ये देखिए ये अराइन ट्री प्रेजेंट्स आ गया, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सारी फाइलें अपलोड करनी है, सब पे करें। ये देखिए ये सब आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीका फ़ोटो एडिटिंग का, इससे बहुत अच्छी एडिटिंग होती है। ये देखिए सब हो गया। अब आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पे कुछ देर वेट करना है, तकरीबन 5 मिनट्स लग सकते हैं। देखिए ये सारी पिक्स शुरू होने लग गई हैं। ये देखिए आपने 52 तक जानी है। ये देखिए एक पिक आ गई। देखिए दूसरी पिक आ गई। ऐसे सारी पिक्स यहाँ पे आ जाएंगी, आपने बस थोड़ा सा वेट करना होगा इधर। ये देखिए 4 पिक्स आ गई। ये मैं जब वीडियो रोक रहा हूँ इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। जब तक जब ये सारी वीडियो ये सारी यहाँ अपलोड हो जाएंगी मैं फिर वीडियो ऑन करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम सारी अपलोड हो चुकी हैं, सिर्फ 2 पिक्स रह गई हैं। देखिए इसलिए मैंने वीडियो रोकी थी। ये देखिए इम्पोर्ट 51 एक रह गई है, सिर्फ 1 मिनट वेट करें ये भी हो गया। देखिए इम्पोर्ट फिनिश, ये देखिए आपकी सारी यहाँ पे आ गई हैं। ये तकरीबन आपको 5 मिनट लगेंगे, इसलिए मैंने वीडियो रोक ली थी। अब आपने बैक पे क्लिक करना है। अब आपने जो फ़ोटो एडिट करनी है ना उस पर जाना, आपने जाना है ऑल फ़ोटोज़ पे। यहाँ पे आपको 4 फोटो शो होंगी। अब आपने जाना है ये प्लस के निशान पे, ये देखिए छोटा सा, इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो पिक करनी है कि मैं करता हूँ डिवाइस फोल्डर ही, अब मैं आपको बताता हूँ आपने जो पिक एडिट करनी है उस पर क्लिक करना है आपने। देखिए जैसे कि देखिए बहुत सी पिक्स हैं मेरे पास, मैं कोई अच्छी सी पिक एडिट करता हूँ। ये देखिए पिक्स बहुत हैं मेरे पास, चले मैं इस पिक को एडिट करता हूँ। तो आपने इसे ऐड पे कर लेना है, ऐड पे कर लेना। देखिए ऐड पे करेंगे तो ये पिक आपके सामने आ गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, एडिटिंग से पहले की पिक देखेंगे और एडिटिंग के बाद की पिक आपको दिखाऊंगा। अब आपने बैक पे जाना है, यहाँ पे अराइन एडिटिंग पे जाना है, जो आपने फोल्डर बनाया हुआ जिसमें रखी होंगी आपने। ये देखिए ये बहुत से इफेक्ट्स हैं इसमें। अब आपने पिक के हिसाब से फट करना है, तो मैं ये इफेक्ट ले लेता हूँ ऑरेंज एंड टेल। ये देखिए ये इफेक्ट अभी ओपन हो रहा है, देखिए ओपन हो गया इफेक्ट, बस 1 मिनट लगेगा। ये ज़रा सर्च कर रहा है,
ये देखिए हो गया। अब आपको ये तीन डंडे नज़र आ रहे होंगे ऊपर, ये देखिए इस साइड पे आपने इन पे क्लिक करना है। अब आपने कॉपी सेटिंग पे जाना है, ये देखिए कॉपी सेटिंग, कॉपी सेटिंग पे जाकर आपने ये सारे सिलेक्ट कर लेने हैं, इनमें से सिर्फ क्रॉप को छोड़ देना है और ओके कर देना है। ये देखिए आपके कॉपी हो चुके हैं। अब आपने बैक पे जाना है, फिर बैक पे जाना है और ऑल फोटोज़ पे जाके जो आपने पिक सेलेक्ट की थी, ये देखिए पिक सेलेक्ट की थी मैंने। अब आपने इस पिक पे जाकर यहाँ पे वो सारी पेस्ट कर देनी है। एक मिनट ये सर्च हो रहा है, देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान ट्रिक है और अमेजिंग से ट्रिक होती है। उसके बाद आप अपना नेम वगैरह जो लिखते हैं पिक्स पे और वो जो पेन वगैरह लगाते हैं वो आप लोग इजीली लगा सकते हैं, मतलब पिक्स आर्ट से भी और भी बहुत से ट्रिक हैं उनको लगाने के लिए। तो फिलहाल मैं आपको सिंपल एडिटिंग दिखा रहा हूँ। ये देखिए पिक ओपन हो चुकी है सही तरह। अब आपने इन तीन डंडों पर दोबारा जाना है, यहाँ पर आपको आ रहा होगा नज़र पेज सेटिंग, आपने पेज सेटिंग पर क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड पहले पिक कैसी थी और अब देखिए कैसी हो गई है। अब आपने इधर आपको नज़र आ रहा होगा ये, यहाँ नहीं सॉरी, अब आपको नज़र आ रहा होगा इधर ओपी ट्रिक्स, आपने ओपी ट्रिक्स पे क्लिक करना है और प्रोफाइल लेंथ प्रोफाइल कलेक्शन कर लेना है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपके जो प्रोफाइल के लेंथ हैं वो आगे से अच्छे हो जाते हैं। देखिए कोई एच डी पिक आपने करनी है, अब आपने इधर जाना है, यहाँ पे आपने नॉइस पोल्यूशन फुल कर देनी है, स्मूथनेस फुल कर देनी है, कंट्रोल फुल कर देना है और उसके बाद आपने अब नॉइस प्रोडक्शन इसे भी फुल कर दें, कंट्रोल्स को भी फुल कर दें। देखिए फ्रेंड ये पिक कैसी हो चुकी है, आगे कैसी थी और अब कैसी होगी है। अब देखिए अब आपने जाना है ये इधर, सॉरी इधर जाना है आपने ये लाइट वाले निशान पर, इस पर जाने के बाद आपने ये सारी सेटिंग को ऐसे ही रखना। देखिए अब आपने इधर जाना है, ये जो साथ बना हुआ है इसके, इस पे जाने के बाद आपने मिक्स पे क्लिक करना है। मिक्स पे क्लिक करने के बाद आपके पे स्टेशन आ गया, आपने इसे भी हाई कर देना है, इसे भी हाई कर दें और इसे थोड़ी लो कर दें। इसके बाद आपने ऑरेंज पे जाना है, ऑरेंज को भी इसे ही फुल कर दें, इसे ही फुल कर दें। ये देखिए आपकी पिक के हिसाब से करना है, आपने इसे ऑरेंज को मैं कम कर देता हूँ, सिचुएशन को बढ़ा देता हूँ और इसे थोड़ा कम कर देता हूँ। अब आपने ऑरेंज पे जाना है, इसकी भी सिचुएशन बढ़ा दें। ये देखिए सिचुएशन जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे पिक होगी। देखिए अब आपने ग्रीन पे भी जाना है, इसकी भी सिचुएशन बढ़ा दें और इसकी ये लुमिनेंस थोड़ी कम कर दें। ऐसे ऑरेंज पे जाएं, इसकी भी सिचुएशन बढ़ा दें या कम कर दें, आपकी मर्ज़ी है। देखिए अब इसे कम कर लेते हैं, इसे यहाँ पर रख लेता हूँ मैं। आपने ब्राउन पे जाना है, इसे बैक पे कर लें तो ये देखिए कैसा हो गया पिक। और आपने इसकी सिचुएशन को ज़्यादा करेंगे तो देखिए कैसी हो रही है। अब आपने सिचुएशन को नॉर्मल रखना है और इससे आप तकरीबन 60 पे कर लें, 60 पे करने बाद सिचुएशन भी आपने तकरीबन वही 30 एक रखनी है। ब्राउन की आपने सिचुएशन बढ़ा देनी है और लाइनर्स को कम कर देना है और इसे भी तकरीबन फुल कर देना है। अब आपने इसके बाद जाना है एंड वाले पे, ये वाले पे, इस पे जाएंगे तो आपने इसकी सिचुएशन बढ़ा देनी है और लुमिनस कम कर देनी है और सिचुएशन कम कर देनी है। देखिए फ्रेंड्स ये सब कुछ हो गया, आपको मैं पहले की पिक दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले की पिक सॉरी नहीं आएगी इसमें। अब आपने ये देखिए आपकी पिक हो गई है। अभी आपने अब इन तीन डंडों पर दोबारा जाना है। देखिए पिक पे ये सिचुएशन ऐसे हो गया, आप चाहे कोई भी कर लेते हैं, चले मैं इसे सेव करता हूँ। तो आपने इधर जाना है, हाई एबिलिटी पे जाना है, ओके कर लेना है। फ्रेंड थोड़ा पीछे शोर है इसलिए थोड़ा माजरत। ये देखिए डिसेंडिंग हो रही है, आपने ये देखिए डिसेंडिंग होगी। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, ओल्ड पिक भी दिखा देता हूँ और न्यू पिक भी दिखा देता हूँ जो एडिट की है। ये देखिए आपने अब आ रहे हैं गैलरी में, आ जाएं आप, आपको मैं ओल्ड पिक भी दिखा देता हूँ और न्यू पिक भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ओल्ड पिक क्या, ये ओल्ड पिक पे देखिए कैसी थी, अब आप देखिए न्यू पिक पे ये कैसी लगेगी। देखिए फ्रेंड्स कैसे एडिट हुई है, इंशाल्लाह आप लोग ऐसे बहुत सी अपनी पिक्स एडिट कर सकते हैं और ये बे अमेजिंग ऐप है फ्रेंड्स। इसका ऐप का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्रीमियम ऐप है ये। और उसके बाद ये जो इफ़ेक्ट्स वगैरह थे इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप लोगों को फ़ौरन मिल जाए। एंड अगर वीडियो और अच्छी लगी हो आप लोगों को तो हमारी वीडियो आगे भी शेयर करें लोगों को। मैं आपको बता देता हूँ शेयर करने का तरीका भी, आपने सबसे पहले जाना है यूट्यूब पर जाना है या जहाँ से भी आप करेंगे वहाँ से आपने यूट्यूब पर वीडियो देखनी है। हमारे चैनल पर जाना है, आपने मेरे चैनल पर जाना है, जैसे राइन ट्रिक्स है यहाँ पे देखिए मैंने फॉलोअर वाली वीडियो की थी अपलोड। आपने इस वीडियो को ओपन कर लेना है, यहाँ पे आपको ये तीन डंडे नज़र आ रहे हैं, आपने क्लिक कर लेना है।